नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बनवारी सर कोटा राजस्थान से। जुगल सर ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन और तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, राजस्थान जीके के बारे में हम बात कर रहे हैं और राजस्थान जीके में हम इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है आर्ट एंड कल्चर, यानी राजस्थान कला संस्कृति के बारे में। और कला संस्कृति के बारे में आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक जिससे संबंधित प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, राजस्थान में लोकगीत। दोस्तों, लोकगीत के बारे में बात करें तो स्थानीय लोगों द्वारा जो गीत गाए गए वो लोकगीत के नाम से जाने जाते हैं। और लोकगीत जो है इसके गाने के कई कारण हो सकते हैं। ये दर्द में गाया जा सकता है, खुशी में गाया जा सकता है, किसी के जाने पर गाया जा सकता है, किसी के आने पर गाया जा सकता है। और इन्हीं लोकगीतों के बारे में बात करें तो जनसाधारण वाले लोकगीत भी होते हैं, व्यावसायिक लोकगीत भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर इन सभी लोकगीतों को हम एक साथ पढ़ेंगे। तो राजस्थान के कुछ प्रमुख लोकगीत कौन कौन से हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने यहाँ पर राजस्थान के लोकगीतों के बारे में जब हम बात करें तो टॉपिक चल रहा है अपना राजस्थान में लोकगीत। और लोकगीतों में सबसे पहला जो लोकगीत हम यहाँ पर लिख रहे हैं उसका नाम है मोरिया। मोरिया के बारे में बात करें दोस्तों तो आपको लगता है कि जैसे ये श्रावण माह में गाया जाता होगा, लेकिन विशेष रूप से आप लोगों को बता दूं, मोरिया लोकगीत राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोकगीत है जिसके बारे में बात करें तो एक लड़की जिसका रिश्ता तो तय हो गया है लेकिन विवाह में देरी हो रही है, तो उसके द्वारा अपने दर्द को, अपने विरह को प्रकट करते हुए मध्य रात्रि के समय, यानी आधी रात गुजरने के बाद अपने दर्द को प्रकट करने के लिए ये लोकगीत गाया जाता है। आपने सुना होगा मोरिया आछो बोल्यो रे ढलती रात में, तो वो कौन सा लोकगीत है दोस्तों? मोरिया। भाई पुराने समय में क्या है कि प्रेम की संवेदनाओं को प्रकट करने का कोई माध्यम नहीं होता था, तो ये गीत संगीत के माध्यम से अपना मनोरंजन करते थे। आजकल तो आप लोगों के पास व्हाट्सअप वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, वीडियो कॉल कर लिया, कुछ भी कर लिया, लेकिन पुराने समय में ये सब सुविधाएं नहीं थी, तो इन गीतों के माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रकट किया जाता था। तो पहला लोकगीत कौन सा है? मोरिया। कौन गा रहा है? एक लड़की गा रही है। कौन गा रही है? लड़की गा रही है जिसका विवाह क्या हो गया है दोस्तों? तय हो गया है। विवाह तो तय हो गया है लेकिन विवाह में क्या हो रही है? देरी हो रही है। तो अपनी भावनाओं को प्रकट करते हुए कौन सा गीत गाया जाता है? मोरिया गीत गाया जाता है। आगे बात करें राजस्थान के लोकगीतों के बारे में बात कर रहे हैं तो दूसरा लोकगीत मैंने यहां पर लिखा और वो है दोस्तों बिछुड़ो। बिछुड़ो के बारे में बात करें तो आपने सुना होगा, दरअसल में राजस्थान में बिछुड़ो के बारे में बात करें तो ये क्षेत्रीय नृत्यों में शामिल किया गया है। और बिछुड़ो विशेष रूप से प्रसिद्ध है दोस्तों हाड़ौती संभाग, यानी कोटा संभाग, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में ये विशेष रूप से गाया जाता है। इस लोकगीत के अनुसार पति पत्नी खेत पर काम कर रहे हैं और पत्नी को बिच्छू ने डस लिया है या बिच्छू ने डंक मार दिया है, तो वो अपने पति से अपने दर्द को बयां करते हुए कहती है कि मैं तो मरने जा रही हूं, तुम दूसरा विवाह कर लेना। और वो गीत गाती है कौन सा? मैं तो मरी होती राज मरी होती, खा गयो बेरी बिछुड़ो। तो कौन सा लोकगीत है दोस्तों? बिछुड़ो लोकगीत है। कौन से क्षेत्र विशेष में गाया जाता है? हाड़ौती क्षेत्र विशेष में गाया जाता है। पत्नी को बिच्छू ने काट लिया है लेकिन वो पति से दूसरे विवाह के लिए संबोधित करती है। कौन से लोकगीत के आधार पर? बिछुड़ो लोकगीत के आधार पर। अब आगे बात कर रहे हैं हम यहां पर राजस्थान में किसके बारे में? लोकगीतों के बारे में। अब तीसरे नंबर पर यहां पर मैंने एक लोकगीत लिखा दोस्तों पावणा। पावणा के बारे में बात करें तो पावणा से आपके दिमाग में एक शब्द आता है मेहमान। दरअसल में वास्तविक रूप से पावणा दामाद को कहा जाता है। आप अजमेर संभाग वगैरह उधर मारवाड़ साइड में जाओगे तो वहां पावणा दामाद को ही कहते हैं। तो पावणा यानी दामाद है। और ये पावणा लोकगीत क्या है कि जब दामाद पहली बार ससुराल जाता है तो उसके स्वागत में जो उसकी सास है और ससुराल से ससुराल पक्ष से संबंधित जो महिलाएं हैं वो आपस में मिलकर दामाद के स्वागत में गीत गाते हैं। कौन सा?
पावणा सुना भी होगा दोस्तों आपने, एक बार आओ थे जमाई जी पावणा, ताने सासू जी बुलावे घर, आज जमाई जी लाड करा। तो कौन सा लोकगीत है वो? पावणा लोकगीत है, दामाद के पहली बार ससुराल आगमन पर गाया जाने वाला जो लोकगीत है वो कौन सा लोकगीत है दोस्तों? पावणा लोकगीत है। अब आगे बात करें तो आगे बात कर रहे हैं यहां पर चौथे नंबर पर, तो चौथे नंबर पर मैंने एक शब्द लिख दिया यहां पर, झोरावा। अब झोरावा के बारे में बात करें तो अभी हमने आपको बोला कि बिछुड़ो, क्षेत्र बता दिया मित्रों कौन सा? हाड़ौती। लेकिन यहां पर जब झोरावा के बारे में बात करें तो इसका संबंध आता है जैसलमेर में। कहां पर आता है संबंध? जैसलमेर में संबंध आता है। और जैसलमेर के बारे में बात करें तो जैसलमेर क्षेत्र में ये गीत गाया जाता है, पति परदेश चला गया है, पति परदेश चला गया है और पत्नी द्वारा उसके विरह में गाया जा रहा है। पति कहां चला गया है दोस्तों? परदेश चला गया है और कौन गा रही है? पत्नी उसके विरह में गा रही है कि ये भाई साहब वापस कब आएंगे। तो जैसलमेर क्षेत्र में गाया जाने वाला कौन सा गीत है? झोरावा गीत है, ठीक है। तो झोरावा जैसलमेर क्षेत्र में। अब आगे बात करें इसी झोरावा से मिलता जुलता एक और लोकगीत राजस्थान में जिसको हम सुवटिया के नाम से जानते हैं। सुवटिया के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो सुवटिया भी झोरावा का ही रूप है लेकिन गीत समान हुआ तो क्या हुआ, क्षेत्र तो अलग है। तो यहां पर हमने बोला कि झोरावा कौन से क्षेत्र में गा रहे हैं? जैसलमेर में। तो सुवटिया जो लोकगीत है ये गाया जाता है कहां पर? अजमेर में गाया जाता है। वही मामला, पति परदेश चला गया है और पत्नी उसकी याद में जो गीत गा रही है वो कौन सा है? सुवटिया। लेकिन विशेष रूप से स्थान के संबंध में बारे में बात करें तो स्थान कौन सा होगा यहाँ पर? अजमेर होगा। तो बात कर रहे हैं हम राजस्थान में लोक गीतों के बारे में। अब आगे बात करते हैं तो ये राजस्थान में लोक गीतों के बारे में बात कर रहे हैं। आपको बताया दोस्तों मोरिया लड़की का विवाह होने वाला है लेकिन विवाह में देरी हो रही है तो वह अपनी भावनाओं को प्रकट करते हुए कौन सा गीत गाती है मध्य रात्रि के समय? मोरिया, सुना होगा आपने मोरिया, छो बोलो रे ढलती रात में। दूसरा नाम है बिच्छुड़ो, हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाता है, पत्नी को बिच्छू के काटने पर वो पति से दूसरे विवाह के लिए संबोधित करती है, सुना होगा, मैं तो मरी होती राज मरी होती खा गयो बेरी बिछुड़ो। पावणा दामाद को कहते हैं, जब दामाद पहली बार ससुराल पक्ष में आता है तो उसके स्वागत के लिए जो गीत गाया जाता है वो कौन सा है? पावणा एक बार आओ थे जमाई जी पावणा। झोरावा के बारे में बात करें तो जैसलमेर क्षेत्र में पति परदेश चला गया है और पत्नी उसके विरह में गा रही है, और सुवटिया अजमेर क्षेत्र में पति परदेश चला गया है और पत्नी उसके विरह में गा रही है। अब आगे बात करते हैं, यहां पर हम बात किसके बारे में कर रहे हैं दोस्तों? राजस्थान के लोक गीतों के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं आगे, तो छठे नंबर पर मैंने एक लोकगीत लिखा जिसे हम कहते हैं सीठने। सीठने जो है इनको स्थानीय भाषा में गाली गीत भी कहा जाता है। सीठने को स्थानीय भाषा में हमने क्या बोल दिया? गाली गीत भी बोल दिया। अब आप हो गए ये कौन से गीत हो गए? आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, गांव में रहने वाले, हम राजस्थान की धरा से जुड़े हुए लोग हैं दोस्तों, तो राजस्थान की धरा से जुड़े हुए लोग हैं तो इन गीत संगीत संस्कृति से हमारा सानिध्य होना चाहिए और ये जरूरी है और अनिवार्य भी है। तो दरअसल में क्या है कि विवाह के अवसर पर वर और वधु पक्ष की महिलाएं आपस में मनोरंजन के लिए एक दूसरे में मधुरता पूर्वक गाली गलौच करती है और गीत गाती है सीटने। लेकिन आप कहोगे कि गालियों से कौन सा प्रेम बढ़ता है? तो गालियों से प्रेम नहीं बढ़ता लेकिन बात कहने का अगर तरीका हो तो प्रेम बढ़ता है। जैसे आप किसी इंसान को डायरेक्ट कुत्ता बोल दो तो उसको कितना बुरा लगेगा? लगेगा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप उसको प्यार से यहां पर हाथ लगा के बोलोगे यू आर सो स्वीट डॉगी तो उसको बुरा नहीं लगेगा, जबकि अभी भी कुत्ता ही बोला है आपने। तो समझ रहे हो ना बात? आप मनोरंजन के लिए गाए जाते हैं, तरीका अलग है। तो वो कौन से गीत है? सीठने गीत है, जिनको क्या कहते हैं दोस्तों? गाली गीत कहते हैं। विवाह के अवसर पर वर और वधु पक्ष की महिलाएं आपस में मिलकर के
विवाह के अवसर पर वर और वधु पक्ष की महिलाएं आपस में मिलकर के जो गीत गाती है वो कौन से हैं? सीठने गीत है, जिन्हें स्थानीय भाषा में गाली गीत भी कहा जाता है। अब आगे चले, आगे 7 नंबर पर बात करते हैं। तो 7 नंबर पर यहां पर मैंने एक लोकगीत लिखा दोस्तों, पपैयो। अब ये पपैयो नहीं जो ट्रैफिक पुलिस वालों के पास आप लोग देखते हैं बजाने वाले, ये अलग पपैयो। ये पपैयो एक पक्षी है। क्या है मित्रों? ये एक पक्षी है। पपैयो क्या है? एक पक्षी है और नायक और नायिका से संबंधित है। दरअसल में क्या है कि जो उपवन होते हैं, उपवन को हम गार्डन उद्यान के नाम से भी जानते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में, तो जो उपवन होते हैं उनमें नायिका बेटी है और वो अपने नायक का इंतजार कर रही है, उसकी प्रतीक्षा कर रही है। तो वो अपने नायक को उस उपवन में बुलाने के लिए इस पपैयो पक्षी से संबोधित करती है। यानी नायिका नायक को कहाँ बुलाना चाहती है दोस्तों? उपवन में बुलाना चाहती है। कौन बुलाना चाहती है? नायिका। किसको बुलाना चाहती है? ये नायक को बुलाना चाहती है। और जो गीत गा रही है वो कौन सा है? पपैयो गीत है। पपैयो वास्तविक रूप से एक पक्षी है, लेकिन संबंधित बात करें तो यहां पर क्या है? ये लोक गीत है। अब आगे चले, बात कर रहे हैं हम राजस्थान की किसके बारे में? लोक गीतों के बारे में। अब यहां पर 8वें नंबर पर हमने एक लोकगीत लिखा, राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। किसी भी कंपटीशन के बारे में बात करें तो मैक्सिमम कंपटीशन में ये लोकगीत पूछा गया है, हम सीढ़ो। तो ये वास्तविक रूप से देखा जाए तो इंपॉर्टेंट है। और इसके बारे में बात करें तो दरअसल में प्रश्न पूछा गया कि हम सीढ़ो कौन से क्षेत्र का लोकगीत है। तो हम सीढ़ो में याद रखना, ये मेवाड़ क्षेत्र का लोकगीत है। तो यहां पर हमने लिख दिया कि हम सीढ़ो के बारे में बात करें तो ये मेवाड़ क्षेत्र का लोकगीत है। और प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में हम सीढ़ो लोकगीत का संबंध किस जनजाति से है? तो याद रखना, इसका संबंध भील जनजाति से है। और विशेष बात, भील पुरुष तथा महिलाएं आपस में मिलकर के जो लोकगीत गाते हैं वो कौन सा लोकगीत है? वो हम सीढ़ो है। हम सीढ़ो लोकगीत मेवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। भील पुरुष और महिलाएं सामूहिक रूप से जिस गीत को गाती है वो कौन सा गीत है दोस्तों? वो हम सीढ़ो लोकगीत है। हम राजस्थान के लोकगीतों के बारे में बात कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं, राजस्थान के ही लोकगीतों के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर ये 8वें नंबर पर हमने लिख दिया कौन सा गीत है दोस्तों? हम सीढ़ो। अब आगे चले तो हम सीढ़ो के बाद अगला जो लोकगीत आता है 9वें नंबर पर, तो 9वें नंबर पर मैंने यहां पर लिख दिया कोयलड़ी। कोयलड़ी लोकगीत के बारे में बात करें तो हमारे राजस्थान में बेटी की जब विदाई होती है तो माँ द्वारा गाते हुए रोते हुए गीत गाया जाता है, वो कौन सा है? कोयली। यानी वो रोते रोते संवाद करती है कि भाई तू अच्छे से रहना, तो ये करना, तो वो करना। तो वो कौन सा गीत है दोस्तों? वो कोयलड़ी गीत है। किसकी विदाई के समय गाया जाता है? बेटी की विदाई के समय। कौन गाता है? माँ। यानी माँ द्वारा बेटी की विदाई के समय जो लोक गीत गाया जाता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? कोयलड़ी के नाम से जानते हैं। अब आगे बात करें तो 10वें नंबर पर मैंने यहां पर लोकगीत लिख दिया दोस्तों, अगला काजलियो। आपने सुना होगा कि श्रृंगार के बारे में बात की जाए तो 16 प्रकार के श्रृंगार होते हैं। संस्कार के बारे में बात की जाए तो संस्कार भी हमारे यहां पर 16 होते हैं। तो 16 श्रृंगारों में जो सबसे प्रमुख श्रृंगार है वो काजल है। हमारे एक शब्द आता है स्थानीय क्षेत्रों में, नजर लगना। तो नजर से और बुरी शक्तियों से बचाने के लिए काजल लगाया जाता है। तो यहां पर काजलियो, आजकल वर्तमान में इसका लेटेस्ट वर्जन भी आया, आपने सुना होगा था ने, काजलियो लगा दू नजरा में बंद कर रहा खुली। तो वो गीत है दोस्तों, कौन सा? काजलियो। यानी ये एक श्रृंगारिक लोकगीत है। कौन सा लोकगीत है? ये श्रृंगारिक लोकगीत है। जो वधू है उसको श्रृंगारित किया जाता है, तो उसको नजर से बचने के लिए
जो गीत गा रहे हैं श्रृंगारित करते समय, काजल लगाते समय, वो कौन सा गीत है दोस्तों? वो काजलियो लोक गीत है। अब आगे चले तो 11वें नंबर पर, 11वें नंबर पर यहां पर हम अगले लोकगीत के बारे में बात कर रहे हैं, राजस्थान के प्रसिद्ध प्रसिद्ध लोकगीत लिख रहे हैं। तो अगला 11वें नंबर पर यहां पर हमने लोकगीत लिख दिया जिसका नाम है दोस्तों लांगुरिया। लांगुरिया का बारे में बात करें तो लांगुरिया एक धार्मिक लोकगीत भी है, राजस्थान की एक लोक देवी जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो नाम सुना होगा दोस्तों, भगवान कृष्ण की बहन केला देवी। तो केला देवी के मंदिर परिसर में गीत गाया जाता है, कौन सा? लांगुरिया। और लांगुरिया वास्तविक रूप से संबोधित करता है दोस्तों किसको? बाल हनुमान प्लस बाल भैरव। आपको बताया था कि जिन महिलाओं को संतान नहीं होती, वो संतान की मनोकामना के लिए जिस लोक देवी के परिसर में जाती है वो केला मैया यानी केला देवी है। और यहां पर कौन सा गीत गा रहे हैं? लांगुरिया गीत गा रहे हैं। लांगुरिया एक धार्मिक लोकगीत है। कौन सा लोकगीत है दोस्तों? धार्मिक लोकगीत है। अब आगे बात करें तो यहां 12वें नंबर पर लिखा हमने, तो अगला जो लोकगीत है उसका नाम है हिचकी। हिचकी के बारे में बात करें तो हिचकी दरअसल में याद में गाया जाता है। हम देखो, अपन लोगों को किसी की याद आती है तो हम नाम लेते हैं और हिचकी बंद हो जाती है, ऐसी मान्यता है हमारे राजस्थान में। दरअसल में गाने में तो याद किसी भी प्रकार की हो सकती है, लेकिन यहां पर विशेष रूप से पत्नी गाएगी पति की याद में। राजस्थान में मैक्सिमम जितने भी लोकगीत है वो अधिकतम पत्नियों द्वारा ही गाए जाते हैं, ठीक है? पतियों द्वारा गाए जाने वाले गीतों का प्रकार नहीं है अपने पास ज्यादा। मैक्सिमम लोकगीत किसके द्वारा गाए जा रहे हैं? पत्नियों या महिलाओं द्वारा गाए जा रहे हैं। तो यहां पर हिचकी जो है वो किसको आई? पत्नी को। तो वो गाती है, मारा पिया जी बुलावे माने आवे हिचकी, यानी पति की याद में पत्नी द्वारा जो गीत गाया जा रहा है वो कौन सा है? हिचकी। और इसी हिचकी से आगे एक और बात करें दोस्तों, तो हिचकी हमने कह दिया कि याद में गाया जा रहा है। यहां पर 13वें नंबर पर भी लिख दिया हमने ओल्यू। तो ओल्यू भी मित्रों याद को ही कहते हैं। किसको कहते हैं? याद को ही कहते हैं। ये भी याद में गाया जाता है, लेकिन राजस्थान में बेटी का जब विवाह हो जाता है, किसका विवाह हो जाता है? बेटी का विवाह हो जाता है तो माँ को उसकी याद आती है, जो बाईसा होती है उसकी याद आती है, तो उसके संबंध में गीत गाया जाता है, बाई सारी ओल्यू माने घणी तड़पावे। यानी याद विशेष रूप से यहां पर किसकी है? पति की। और यहां पर किसकी है? बेटी की याद है। तो याद में भी अलग अलग प्रकार है। हिचकी भी याद में गाया जाएगा, ओल्यू भी याद में गाया जाएगा। तो राजस्थान में लोकगीतों के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों हम यहां पर। आगे पढ़ते हैं हम 13वें नंबर पर। 12वें नंबर तक हमने लोकगीतों की बात कर ली, अब आगे बात करें तो 13वें नंबर पर जब हम अगला लोकगीत लिखते हैं, तो 13वें नंबर पर हमने यहां पर एक शब्द लिख दिया दोस्तों, बन्ना बन्नी। नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे राजस्थान में विवाह के अवसर जो दूल्हा होता है उसे बन्ना कहते हैं और जो दुल्हन होती है उसे बन्नी कहते हैं। यह लोकगीत गाए जाते हैं, वर के यहाँ बन्ना गाए जाते हैं और वधु के यहाँ बन्नी गाए जाते हैं, ठीक है? आगे और बात करें तो 14वें नंबर पर यहाँ पर राजस्थान में एक प्रसिद्ध लोकगीत के बारे में बात करते हैं दोस्तों, और उसका नाम है घूमर। घूमर के बारे में बात करें तो घूमर एक सामाजिक नृत्य भी है। घूमर एक सामाजिक नृत्य भी है और घूमर एक धार्मिक नृत्य भी है दोस्तों। राजस्थान की संस्कृति की शान बढ़ाने वाला, राजस्थान की छटा, जो संस्कृति की छटा है उसको बिखेरने वाला सौंदर्य के रूप में जो लोक गीत है वो घूमर है। और ये लोक नृत्य का भी प्रकार है। आपसे कभी पूछा जाए कि राजस्थान में हाथ की कलाइयों का सबसे कलात्मक प्रयोग जिस लोकगीत में किया जाता है वो घूमर है। सुना होगा, मारी घूमर से नकरा लिए माए घूमर रमुआ में जास्या। तो यहां पर घूमर सामाजिक से नृत्य है क्योंकि समाज से संबंधित है। और धार्मिक क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि राजस्थान में चैत्र शुक्ल
तृतीया को एक त्योहार मनाया जाता है जिसे हम कहते हैं गणगौर, और गण भगवान शिव और गौर पार्वती माता है। यानी गणगौर जो पर्व त्योहार है उसके संबंध में जो गीत गाया जाता है वो घूमर है, और ये नृत्य भी किया जाता है वो भी कौन सा है, घूमर है। विशेष रूप से इस नृत्य का संबंध राजपूत परिवार से है। प्राचीन समय में जब घूमर आता था, ये मतलब गणगौर आती थी, और आज भी वर्तमान समय में जब भी गणगौर आती है तो राजपूत समाज में जिस नृत्य का सबसे अधिक प्रचलन होता है वो घूमर है। दरअसल में घूमर नृत्य की शब्दावली के बारे में जब हम बात करते हैं तो आपने सुना है कि मारी घूमर छे नकराली, माई घूमर रमुआ में जासिया। तो इसमें एक लड़की है जो अपनी माँ से श्रृंगारिक वस्तुओं की मांग कर रही है। वो कह रही है कि माँ मुझे श्रृंगारिक वस्तुएं दो, मैं उनसे श्रृंगार करके नृत्य करूंगी। तो वो गीत कौन सा है दोस्तों, घूमर, यानी भगवान शिव और माता पार्वती को संबोधित करने वाला गीत या नृत्य कौन सा है, तो वो घूमर है। लेकिन विशेष रूप से यहां पर इसमें याद किया जाता है पार्वती माता को। लेकिन ये दोस्तों एक चीज याद रखना, कभी कभी अगर ये कहा जाए कि घूमर नृत्य का संबंध है और वहां पर पार्वती माता ऑप्शन में नहीं हो, वहां पर दुर्गा या काली या लक्ष्मी माता अगर विकल्प में हो तो अपने को क्या लगाना है, वहां पर एक और विकल्प आएगा ऑल ऑफ दीज, यानी उपयुक्त सभी। तो फिर ये सभी के समक्ष भी यह नृत्य किया जाता है क्योंकि ये एक ही रूप है, अवतार अलग अलग है लेकिन रूप एक ही है। तो ये कौन सा गीत है दोस्तों, घूमर। राजस्थान में नृत्यों के मामले में बात की जाए तो नृत्यों की आत्मा जिसे कहा है वो घूमर है, नृत्यों का सिरमौर जिसे कहा है वो घूमर है। अब चलते हैं आगे, आगे बात करें यहां पर दोस्तों, तो 15वें नंबर पर हमने लोकगीत लिख दिया कांगसियो। कांगसियों के बारे में बात करें तो कांगसियो जानते हो, कोम जिसे अपन कंघा कहते हैं, कंघा जो बालों को निहारते हैं हम लोग, वो कंघा। तो क्या है कि पुराने समय में क्या होता था, आपको पता था कि कोई भी मेहमान वगैरह आते थे उनको नहलाने के लिए हम लोग कहाँ ले जाते थे, या तो तालाब पे या नदी पे या कुएं पे, यही विकल्प थे हमारे पास। और प्रसादन में, सौंदर्य प्रसादन में भी कांच, कंघा, सरसों का तेल, ये तीन चीजें होती थी। बाकी कोई ये जो नई चीजें आई है डीओ वगैरह पॉन्ड्स वगैरह तुम लोग लगा रहे हो, ये तो सब वर्तमान का मामला है, लेकिन उस समय ये सब प्रचलन में नहीं थे। तो क्या होता था कि जैसे मान लो कि पावणा यानी दामाद आए ससुराल, और वो नहाने के लिए उनको कहाँ ले गए, कुएं पे ले गए, तो जो पानी भरने वाली स्त्रियां हैं उनको बोलते हैं हम पणिहारिन। पानी भरने वाली स्त्रियों को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, पणिहारिन बोलते हैं। और ये पणिहारिन स्त्रियां आई हुई है, और ये पणिहारिन स्त्रियां क्या कर रही है कि जो कंगा है उसे लेकर के भाग गई है। तो इस व्यक्ति की जो पत्नी है वो इस गीत के माध्यम से संबोधन कर रही है और गाती है कि महाराज छेल भंवर रो कांगसियो पणिहारियां ले गई रे। तो कौन सा लोकगीत गाया जाता है दोस्तों, कांगसियो लोकगीत गाया जाता है। कांगसियो कंघे को कहा जाता है, जब पति कुएं पर स्नान के लिए गया हुआ है तो वहां से पणिहारिन स्त्रियां कंघा लेकर भाग जाती है कि भाई ये कंघी किससे करेंगे, जो हमारे जीजा जी है। तो थोड़ा हमारे यहाँ रिश्तों में मधुरता लाने के लिए ये सारे संवाद किए जाते हैं। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा अपने शादी के अवसर पर जूते चुराने वगैरह की रस्म, आजकल स्टेज पे बैठते हैं फिर पैसे मांगते हैं कि नेक बनता है, तो वैसे कई संस्कार और रीति रिवाज हमारे राजस्थान में है। और हमारे जो कई लोग हैं वो कहते हैं कि अंधविश्वास है तो बहुत सारे हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी किसी न किसी कार्य को करने से अगर अपने को खुशी मिल रही है तो ऐसे रीति रिवाजों को संस्कृति में, और ये कल्चर हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हमारी संस्कृति को हम जिंदा और कायम रख सके, क्योंकि अपने को और आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको हम बता सके कि हमारे राजस्थान की धरा में क्या क्या गड़ा हुआ है, यहाँ की माटी में क्या क्या सुशोभित है, तो उनके बारे में बात कर सके। बस उसके माध्यम से हम लोग यहाँ पर इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आगे बात कर रहे हैं दोस्तों हम किसके बारे में, लोकगीतों के बारे में। तो यहाँ पर हमने कहा कि बन्ना बन्नी, बन्ना वर के यहाँ गाया जाएगा, बन्नी वधू के यहाँ गाया जाएगा।
घूमर के बारे में बात करें तो घूमर सामाजिक और धार्मिक दोनों प्रकार का नृत्य है। चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर पर्व मनाया जाता है। राजपूत समाज में इस नृत्य का, इस गीत का विशेष रूप से उल्लेख है। शिव पार्वती की आराधना की जाती है, इसके अतिरिक्त दुर्गा माता, काली माता, लक्ष्मी माता सभी की आराधना भी इस गीत में की जाती है, नृत्य में की जाती है। और एक और चीज यहाँ पर दोस्तों, हमने गणगौर शब्द लिखा तो राजस्थान में गणगौर के बारे में बात करें तो गणगौर पर्व को काफी डिटेल से विशेष रूप से पूछा जाता है कि गणगौर राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है। तो आपको पता है कि राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध जो गणगौर है वो जयपुर की प्रसिद्ध है, जैसलमेर में ईसर गणगौर मनाई जाती है, मेवाड़ क्षेत्र में धींगा गणगौर मनाई जाती है। तो उनका उल्लेख करेंगे आगे हम जब त्योहार पर्व पढ़ेंगे तो वहां पर। तो आगे और लिखा, कांगसियों कंगा पणियारिन और पत्नी गा रही है जब उसकी सहेलियां कंगा लेकर के भाग गई है। तो आगे बात कर रहे हैं हम किसके बारे में, लोकगीतों के बारे में। अब अगले लोकगीत के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहां पर अगला नाम हमने लिखा दोस्तों चिरमी। चिरमी के बारे में बात करें तो चिरमी एक पौधा है। क्या है? चिरमी एक पौधा है। अपने एक त्योहार आता है दिवाली के अवसर पर, कार्तिक शुक्ल द्वितीया को, कार्तिक शुक्ल द्वितीया को एक त्योहार आता है जिसे हम भाई दूज या भैया दूज के नाम से जानते हैं। और इस भैया दूज के अवसर पर यह गीत गाया जाता है। दरअसल में लड़की अपने पिता और भाई, भैया दूज पर विशेष रूप से भाई जाता है, तो अपने पिता और भाई के नाम के दो दीपक इस चिरमी के पौधे के लगाती है, इसको संबोधित करते हुए। और लोकगीत गाया जाता है चिरमीरा डाला चार में वारी जाऊं चिरमीरी, सुना होगा भाई आप लोगों ने। तो यहां पर चिरमी जो है एक पौधा है, कार्तिक शुक्ल द्वितीया यानी भैया दूज या भाई दूज के अवसर पर पिता और भाई के नाम के दो दीपक लगाकर जो लोकगीत गाया जाता है वो कौन सा है, वो चिरमी लोकगीत है। अब आगे बात करें दोस्तों तो 17वें नंबर पर एक और लोकगीत जिसका नाम है जीरो। जीरा आपने सुना है, खाया भी होगा सबने, सब्जियों में डाला है, मसाले में। तो दरअसल में क्या है, जीरा एक ऐसी फसल है कि गर्मी सर्दी बरसात हर परिस्थिति में नाजुक है, अगर थोड़ी सी भी कमी या अधिकता हो जाए तो ये फसल खराब हो जाती है। तो जो पत्नी है वो अपने पति महोदय से मना करती है कौन सी फसल बोने के लिए, जीरो। यानी पत्नी जो है दोस्तों, पत्नी पति से जीरे की फसल को बोने के लिए मना करती है और क्या कहती है कि यो जीरो जीव को बेरी रे मत बाओ मारा परण्या जीरो, सुना होगा आप लोगों ने। तो ये लोकगीत है जीरो। पत्नी अपने पति से जीरे की फसल नहीं बोने के लिए कहती है, यानी इनकार करती है, मना करती है कि ये फसल नहीं बोनी है, क्योंकि समस्या ही समस्या है, हर मौसम में खराब होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो चिरमी और जीरो लोकगीत के बाद आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट लोकगीत के बारे में। तो दोस्तों आगे हम अगला लोकगीत लिखते हैं और वो है कागा। कागा के बारे में आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ जब कौवे बोलते हैं घरों के आसपास पेड़ों पे बैठे हुए, तो ग्रामीण अंचलों में, ग्रामीण क्षेत्रों में कहा जाता है कि मेहमान आने वाले हैं। कौन आने वाले? मेहमान आने वाले, ऐसा यहाँ संबोधित है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो पत्नी है वो अपने परदेश गए हुए पति को वापस बुलाने के लिए कौओं को उड़ाते हुए संबोधित करती है कि उड़ उड़ रे मारा काला रे कागला कद मारा पियूजी घर आवे, सुना होगा आप लोगों ने। बचपन में हिंदी की पुस्तक में भी इस कविता को पढ़ा होगा आप लोगों ने, जो एक बड़ी कविता थी और ये लोकगीत है स्थानीय रूप में वास्तव में देखा जाए तो। तो यहाँ पर कागा जो लोकगीत है, एक कागा लोकगीत कौन गा रहा है? पत्नी गा रही है। किसको संबोधित करते हुए? पति को संबोधित करते हुए। और कौन सा पक्षी है यहाँ पर? कौवा जो है उसे उड़ाते हुए यह लोकगीत गाया जाता है। लोकगीत का नाम क्या है? कागा। अब कागा के बाद आगे और बात करते हैं तो यहां पर एक और लोकगीत गाया जाता है जिसका नाम है कामण। कामण के बारे में बात करें तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा हमारे विवाह के अवसर पर एक रस्म होती है जिसे बान बिठावन के नाम से जानते हैं, स्थानीय भाषा में बोलते हैं उसे तेल बैठना। आप बता, उस रस्म के बाद जो वर वधु होते हैं उनको गांव की जो बॉर्डर होती है उसे कांकड़ कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कांकड़। तो उस कांकड़ को यानी उस बॉर्डर को पार नहीं करने दिया जाता, उनके साथ कुछ व्यक्ति रखे जाते हैं
और एक छोटी कटार भी उनको दी जाती है रक्षा के लिए, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि प्रेत आत्मा और काली शक्तियां उनके ऊपर प्रभावित हो सकती है। तो क्या है कि वर और वधु जो है उनको बुरी शक्तियों से बचाने के लिए, तंत्र विद्याओं से, काले जादू से बचाने के लिए जो गीत गाया जाता है वो कौन सा है? कामण गीत है। तो यहां पर कामण गीत में वर और वधु, यहां पर हमने लिख दिया दोस्तों क्या, वर और वधु दोनों को बुरी शक्तियों से, यानी तंत्र विद्या जो है उस तंत्र विद्या से बचाने के लिए जो लोकगीत गाया जाता है वो कौन सा है? कामण है। हमारे धार्मिक रूपों में भी महिलाएं इन गीतों को गाती है, सुना होगा आपने मां राधा जी को कामण खिन्न करियो। तो कुल मिलाकर ये जो लोकगीत है इसको हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? कामण के नाम से जानते हैं। अब यहां पर आगे और बात करें लोकगीतों में तो एक नाम और आता है और वो है गोरबंद। गोरबंद के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो गोरबंद ऊंट के गले का एक श्रृंगारित आभूषण है। राजस्थान का जहाज जो है ऊंट है, जिसे राजकीय पशुधन पशु में भी शामिल किया गया है। राज्य पशु जो है वो हमारा चिंकारा है, और पशुधन पशु के मामले में बात करें तो वो कौन है? ऊंट है। तो ऊंट को जब श्रृंगारित किया जाता है तो उसके गले में जो आभूषण बांधा जाता है उसे गोरबंद कहते हैं। और आपने सुना होगा मारो गोरबंद नखरालो नाम से लोकगीत है, जो पश्चिमी राजस्थान में काफी प्रचलित है और काफी प्रसिद्ध है। तो यहां पर जो अगला लोकगीत है वो कौन सा है? गोरबंद। अब गोरबंद के बाद आगे बात करते हैं तो यहां पर हमने एक शब्द लिखा दोस्तों, और वो है लावणी। लावणी के बारे में बात करें तो लावणी जो है इसके बारे में हम बात करते हैं तो ये इसमें बुलाना है, यानी लावणी का शाब्दिक अर्थ वास्तविक रूप से देखा जाए तो बुलाना है। तो किसी को बुलाने के संबंध में जो गीत गाए जाते हैं अपने यहां पर याद में वो लावणी है। और लावणी आपको पता है दोस्तों महाराष्ट्र की एक प्रसिद्ध नृत्य कला का नाम भी है, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो ये लोकगीत है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? लावणी के नाम से जानते हैं। और यहां पर अगला जो लोकगीत है वो है पणिहारी। पणिहारी के बारे में बात करें, पणिहारी आपको बताया था कि वो स्त्रियां जो पानी भरने जाती है वो पणिहारिन स्त्रियां कहलाती है। जो स्त्रियां पानी भरने जाती है वो क्या कहलाती है? पणिहारिन स्त्रियां कहलाती है। और यह स्त्रियां जिस गीत को गाती है वो पणिहारिन गीत कहलाता है। सुना होगा ना, सागर पानी भरवा जाए नजर लग जा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के क्या है कि प्राचीन समय में जब पानी भी भरने जाते थे तो काफी दूरी तय करनी पड़ती थी, और दूरी तय करनी पड़ती थी तो ये गीत ही है जो माध्यम है समय को जो आगे बढ़ाने का। जैसे हम कहीं जाते हैं गाड़ी वगैरह बस वगैरह में तो आपको अंताक्षरी वगैरह खेलते हैं गीतों के माध्यम से, तो पता नहीं चलता समय का। तो पुराने समय में क्या है कि ये चीज़ें होती थी, इन्हीं के माध्यम से यही हमारे साधन थे। अभी वर्तमान में तो काफ़ी तकनीक आ गई है तो बहुत आगे बढ़ गए हम लोग, लेकिन ये हमारी संस्कृति है, इसके बारे में हमको बात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कौन सा गीत है दोस्तों? पणिहारिन, पानी भरने वाली महिलाएं जो गीत गा रही है वो पणिहारिन गीत है। पानी भरने जाते समय गाया जाता है पणिहारी। एक नृत्य भी आएगा संकरिया इंडोनी पणिहारी बागड़िया कालबेलिया जनजाति के बारे में जब हम आगे बात करेंगे तो वहां पर ये एक नृत्य भी है और वहां पर इसके बारे में हम बात करेंगे। अब आगे बात कर रहे हैं हम राजस्थान में किसके बारे में? लोकगीतों के बारे में। तो यहां पर एक लोकगीत आया दोस्तों जिसका नाम है मूमल। मूमल लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी है दोस्तों, लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी है। और ये भी घूमर के समान ही एक श्रृंगारिक गीत है। इसमें भी लड़की यानी नाई का अपनी मां से श्रृंगारिक वस्तुओं की मांग करती है और ये गीत गाया जाता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? मूमल के नाम से जानते हैं। तो आज के इस चैप्टर में हमने कुछ प्रमुख लोकगीतों के बारे में बात की है, आगे भी हम कल की क्लास में लोकगीतों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों मैं बनवारी सर कोटा राजस्थान जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस से आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर हमारे ये वीडियो, हमारा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें सुझाव दीजिए, हमारे चैनल जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जहां तक हो सके जितने दोस्तों को आगे शेयर कीजिए ताकि ये ज्ञान की गंगा उन्हें भी प्राप्त हो सके। धन्यवाद। जुगल सर ऑनलाइन क्लासेज में बनवारी सर की तरफ से आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन।
तहे दिल से स्वागत।